अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी की शान में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, कसीम जाम इरफा ऐ शह अहमद रज़ा तुम हो, कसीम जाम इरफा ऐ शह अहमद रज़ा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नायब गौसुल वरा तुम हो, इमाम अहले सुन्नत नायब गौसुल वरा तुम हो, हरम वालों ने माना तुमको अपना किबला व काबा, हरम वालों ने माना तुमको अपना किबला व काबा, जो किबला अहले किबला का है वो किबला नुमा तुम हो, जो किबला अहले किबला का है वो किबला नुमा तुम हो। हजरात, ये शेर हमारे बड़े मुफ्ती साहब मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा पढ़ा करते थे, और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत ही सच्चे आशिक थे। आप जब दरसगाह में पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शब्बीर हसन रहमतुल्लाह अलैह जब दरसगाह में पढ़ाते थे तो हमेशा हुजूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया करते थे, और एक लफ्ज़ फरमाया करते थे कि अगर आलिम बनना है तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी के किताबों का मुताला करो, ज़्यादा से ज़्यादा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी की किताबों का मुताला करो अगर आलिम बनना है। सही मानों में आलिम इस वक्त वही होता है, इस वक्त वही है जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी की किताबों का मुताला करता है। इस वक्त हर मुफ्ती के लिए, चाहे वो अपने मजहब का हो, सुन्नी मजहब का हो या गैर मजहब का हो, सब के लिए इस वक्त ज़रूरी है इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी के फ़तावों को पढ़ने के लिए। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी ने उस सारे फ़तावे इकट्ठा कर दिए हैं और सारे हवाले इकट्ठा कर दिए हैं, तमाम जुज़ियात फ़तावा रज़विया में इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी ने इकट्ठा कर दिए हैं। हज़रात, कोई भी हो, किसी भी फ़िरके का हो, वो अगर आलिम है तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी की किताबों का ज़रूर मुताला करता है और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी के फ़तावों का ज़रूर मुताला करता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताबों का मुताला करें और अपने घरों में तमहीद ईमान और कंजुल ईमान ज़रूर रखें। अस्सलामु अलैकुम।